एक दिन एक बूढ़ी औरत सड़क को पार करना चाहती थी। वो औरत काफी कमजोर थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाई है। उसे सड़क पार करने के लिए किसी की मदद चाहिए था। उसने बहुत इंतजार किया कि कोई हो सकता है आकर मेरी मदद कर दे, और उसे कई लोगों से मदद के लिए कहा, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तभी उसने बहुत से स्कूल बच्चों को देखा। वे सारे बच्चे हंस रहे थे और बात कर रहे थे। उसने देखा कि सभी बच्चे काफी खुश थे छुट्टी होने पर, और सभी बच्चे अपने घर की ओर जा रहे थे। सारे बच्चों ने उस औरत को देखा पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तभी एक लड़का ने उस बूढ़ी औरत को देखा और पूछा, क्या आप सड़क पार करना चाहती है? लड़के ने कहा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ सड़क पार करने में। लड़के ने बोला कि मैं आपको अभी सड़क के उस पार तक पहुँचा देता हूँ। लड़के ने बूढ़ी औरत की मदद की, लड़का उनको सड़क पार करवा दिया। औरत ने उसको बहुत धन्यवाद किया और बोला कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो जो तुमने मेरी मदद की। लड़का बहुत खुश है उनकी बात सुनकर। फिर लड़के ने बूढ़ी औरत से कहा, मैंने तो किसी की माँ की मदद की है, तो कोई मेरी भी माँ का मदद करेगा बुढ़ापे में? उसकी बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने अपने प्रार्थना में कहा, प्रिय भगवान, उस प्यारे बच्चे के प्रति दया करो। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को नज़रअंदाज ना करके बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए।